The all-new Vootkids app brings you over 200 plus tunes to watch. बालक, तुम कितने नेक दिल हो। मैंने आज तक तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा। सिर्फ एक बार मैंने अनाज मांगा और तुम ले आए बच्चा। नहीं नहीं बाबा जी, इस दुनिया में अब भी अच्छे लोग हैं। वाह, तुम्हारा दिल भी कितना बड़ा है। पहले जमाने के इंसानों के गुण तुम्हारे अंदर अभी तक है। पहले लोग एक दूसरे की कितनी मदद करते थे, तुम भी वैसे ही मदद करते हो। पहले जमाने के लोगों का दिल साफ था, तुम्हारा भी साफ है। तुम उनकी तरह दयावान हो, विद्वान हो, महान हो। नीचे आ जाओ बच्चा, नीचे आ जाओ। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। रख निरंजन। पहले जमाने में लोगों के दिल साफ थे, विश्वास था। इसीलिए घरों की खिड़की दरवाजे कोई भी बंद नहीं करता था। दिलों की तरह वातावरण भी साफ था, हवा स्वच्छ और मनमोहक थी। आज लोग स्कूटर, कार, ट्रक चला चला के वातावरण को दूषित कर रहे हैं, और वातावरण के साथ साथ उनका मन भी दूषित हो रहा है। रोज रोज चोरी चकारी मारपीट हो रही है। अरे क्या दिन आ गए है, वो क्या दिन थे। अलख निरंजन। बाबा जी आप सच कह रहे हैं, बिल्कुल सच। वो भी क्या दिन थे। काश वो दिन फिर से वापस आ सकता, लेकिन हाँ, वो समय तुम वापस ला सकते हो। बस सिर्फ तुम, तुम्हारा दिल स्वच्छ है। तुम एक महान इंसान हो, दयावान हो, बलवान हो, विद्वान हो, महान हो। अलख निरंजन। बाबा जी वो दिन वापस आएंगे, देख लेना आप, वो दिन जरूर वापस आएंगे। मैं जंगल में काली पहाड़ी पे धुनी रमा के बैठा हूँ, वहीं से सब देखूंगा बालक। ये लो मेरा फोन नंबर, रख लो, जब चाहे बुला लेना। मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा बालक। अलख निरंजन। अरे मोटू, वहाँ क्या कर रहे हो, सब ठीक तो है। बॉक्सर भैया, एक जमाना था, साफ हवा, साफ वातावरण, साफ दिल के लोग थे। वो भी क्या दिन थे, जब लोग कार स्कूटर वगैरह इस्तेमाल नहीं करते थे। आज रोड पर हर तरफ कार स्कूटर बाइक दौड़ा रहे हैं, कितना धुआं फैला रहे हैं। ऐसा लगता है हर तरफ आग लगी है, आग। किसी के पास भी किसी के लिए टाइम नहीं है। अब मैं ये सब बंद करवा दूंगा। फुरफुरी नगर को किसी विपदा से बचाना है तो ये सब करना ही होगा। अरे मोटू, सबको रोका क्यों है, हुआ क्या है ये तो बताओ। ओए, पहली बार मोटू की बातों में दम लग रहा है। सच, वो भी क्या दिन थे। और अब देखो, मैं बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने जाता हूँ तो सांसों में ऑक्सीजन कम और मोटर कार का धुआं ज्यादा जाता है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ, वो भी क्या दिन थे। और सुनो तुम सब लोग, आज से कार स्कूटर का इस्तेमाल बंद। सब लोग पैदल या साइकिल घोड़े पे जाएंगे। हमें फुरफुरी नगर को साफ सुथरा बनाना है तो ये करना ही पड़ेगा। अरे तुम सब लोग मोटू की बातों में मत आओ, ये आधुनिक यंत्र हमारी मदद के लिए है, ऐसा मत करो। पतलू, तुम मेरे मित्र हो और ऐसी बातें कर रहे हो कि जैसे फुरफुरी नगर के शत्रु हो। हाँ हाँ, पतलू हमारे नगर का शत्रु है। मारो मारो मारो। देखा मेरी बातों का असर, आज फुरफुरी नगर कितना शांत और स्वच्छ लग रहा है। तुम्हारी बातों के असर से जो मार पड़ी है उसका दर्द मुझे अभी भी हो रहा है। मोटू देखो, चिंगम सर फुरफुरी नगर के दुश्मन है, वो जीप चला रहे हैं।
चिकन सर स्टॉप, आई से स्टॉप, आप जीप नहीं चला सकते। फुरफुरी नगर के वासियों ने फैसला किया है, नो कार नो जीप नो स्कूटर नथिंग, जिससे कि यहाँ का वातावरण दूषित हो। अरे माँ, फिर मैं जॉन को कैसे पकड़ूंगा? अरे पैदल भाग के या फिर घोड़े पे। पहले जमाने में भी तो चोरों को पकड़ा जाता था, तब कहाँ थी कार और कहाँ थी जीप। अरे माँ, घोड़े कहाँ से लाऊंगा? सही, जॉन भागना शुरू करो। मोटू ने पूरे फुरफुरी नगर को पुराने गांव में बदल दिया है। चोरी करके वैन से भागूंगा और वो लोग पैदल साइकिल से मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। अब मैं इतनी चोरियां करूंगा कि लोग परेशान हो जाएंगे और वो सब मोटू को पीट पीट के यहाँ से निकाल देंगे। वाह बॉस, इस बार आपका आइडिया काम कर गया, काम कर गया। मोटू जी, नमस्ते जी। नमस्ते बहन। मोटू जी, आप एक मिनट बाहर आ सकते हैं जी? फुरफुरी नगर की सभी औरतें आपसे मिलना चाहती हैं जी। देखा पतलू, मेरा कितना सम्मान हो रहा है। मोटू जी, आपने हमारे आदमियों पर पता नहीं क्या जादू कर दिया है। वो लोग अब कार स्कूटर टैक्सी बस कुछ नहीं चलाते। मेरे वो तो ऑफिस भी लेट पहुँचने लगे है और तो और उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। अरे इतना कुछ नहीं है, मेरा जो बच्चा है वो रोज स्कूल लेट पहुँचता है लेट, और उसे स्कूल से निकाल दिया है। अरे बाबा, चोरियों पे चोरियाँ हो रही है। हमारे आदमी चोर को पकड़ने पैदल या साइकिल पर भागते हैं और वो वैन में भाग जाता है। चिंगम सर तक पैदल भागते हैं, अब चोर को कौन पकड़ेगा, कौन पकड़ेगा बताओ? मोटू की वजह से हमारा जीना मुश्किल हो गया है, सब काम धाम ठप हो गया है। इसे फुरफुरी नगर से निकालो। मित्र, इससे पहले कि हमारा वातावरण दूषित हो जाए, भागो। मोटू को ढूंढ रही है। वहाँ मेरा आइडिया काम कर गया, काम कर गया। साधु बन के मैंने जो मोटू को पट्टी पढ़ाई, वो आइडिया काम कर गया। अब मोटू पतलू इस शहर में नहीं रह सकते। देखा, जॉन ने साधु बन के तुम्हें उल्लू बनाया और तुम बन भी गए। चलो अब इसे सबक सिखाते हैं। लेकिन कैसे पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, कुछ सोचो। हाँ, बोलो कैसे याद किया? बाबा जी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, कब और कहाँ मिलूँ? फुरफुरी नगर के लोग थोड़ा विचलित हैं। कल काली पहाड़ी पे आ जाओ, लख निरंजन। ये तो अकेले यहाँ आने वाला था, इतने लोगों को साथ क्यों ले आया? बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। दोस्तों, यही मेरे गुरु हैं, इनसे ही ज्ञान लेकर मैंने आपको ज्ञान बांटा है। ये हमारे फुरफुरी नगर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, है ना बाबा? क्यों नहीं, क्यों नहीं। अब बाबा जी फुरफुरी नगर के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करने हिमालय में पैदल जा रहे हैं। पैदल हिमालय? स्वामी जी, पैदल चलने का पाठ तो आपने ही पढ़ाया है। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। तो भाइयों, आप सब अपने अपने कार स्कूटर सब इस्तेमाल कीजिए और हम पैदल हिमालय जाते हैं। ओके, मोटू और बाबा जिंदाबाद।
मोटू और बाबा जिंदाबाद। ये सही नहीं है, तुम कार में उड़ रहे हो और मैं पहाड़ चढ़ रहा हूँ। मुझे भी कार में बिठा लो। हाँ बच्चा प्लीज। नहीं नहीं स्वामी जी, पैदल चलने का पाठ तो आपने ही पढ़ाया है। आपको कार में बिठा के हम आपका अपमान नहीं कर सकते। स्वामी जी, ये रहा आपका आशियाना। आपके कहे अनुसार खिड़की दरवाजे कुछ नहीं है, बस रात को जंगली जानवरों से बच के रहिएगा, जैसे कि भालू भेड़िए। हाँ हाँ, हम लोग चलते हैं। बाय बाय स्वामी जी, प्रणाम। नहीं नहीं, मुझे भी साथ ले चलो। अरे मैं कोई स्वामी वामी नहीं हूँ, बचाओ, मैं तो जॉन हूँ, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा चोर जॉन हूँ। चिंगम सर, अरेस्ट मी। To watch more, download the all-new Voot Kids app and start your 30-day free trial today.